हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषि एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिशि। आज की वीडियो हमने कुछ अलग सोची है कि ना मोटो ब्लॉग करते करते रिव्यू वीडियो बनाए थे। वैसे आपको याद ही होगा, हमने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि आईफोन 13 को रिव्यू करेंगे और आज आपको हम ऐसी 5 टिप्स बताएंगे जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आईफोन 13 ले या ना ले या आईफोन ले या ना ले। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसके बारे में तुरंत पता चल जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज का ब्लॉग। वैसे आज के ब्लॉग में हमारी हेल्प करेंगे मेरे दोस्त बंकिम, हम आगे से उनको पिक करने वाले हैं। तो अपने डायरेक्ट वहीं मिलता है। विंटर की सुबह के मजे लेते हुए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना चाय पे चर्चा करेंगे। मतलब वो तो दोस्त से करूंगा, आपसे चर्चा हम अभी करने वाले हैं। आपको हम एक और चीज बताएंगे कि हमारी बाइक ना 4600 किलोमीटर चल गई है और जितने लोगों के पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है और स्पेशली मेरे पास है मीडियर 350 स्टीलर रेड, तो उनको पता ही होगा कि उनकी सेकंड सर्विस कितने किलोमीटर पे करवानी होती है। तो हमारा भी वो टाइम आ चुका है, 5000 किलोमीटर चल जाएगा तो सेकंड सर्विस करवानी पड़ेगी। पर हम ये सर्विस अभी नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारा कुछ प्लान है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चली जाएगा कि क्या हमारा प्लान है। और आप चाहते हैं कि आपको प्लान की हिंट बताएं आप, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक मारो, उससे हम कुछ पोस्ट अपलोड कर ही देंगे जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा। सो अपने आते अभी अपने मेन पॉइंट पे, जो आपको बताने वाला था 5 पॉइंट, उसमें से 5 पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, फिर उसको अलग अलग एक एक बताऊंगा। पहला तो है यूसिम, दूसरा डेटा ट्रांसफर, तीसरा लेस एप्लीकेशन, चौथा एक्सपेंसिव एसेसरीज और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब ये वैसे तो पहला होना चाहिए पर अपने 5वें पे इसलिए रखा है कि ये तो कॉमन चीज़ था, अपना बजट। सो पहले पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं ई सिम का। ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही है कि आईफोन जो है नए उसमें ड्यूल सिम है, पर ड्यूल सिम कैसे है वो किसी को नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था कि ड्यूल सिम का मतलब ऐसा ही है कि दोनों फिजिकल सिम हो गए, बट ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड में जैसे ड्यूल सिम सपोर्ट करता है वैसे इसमें नहीं, आप सिर्फ फिजिकल एक ही सिम डाल सकते हो और दूसरा आपको ई सिम में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा अगर आपके पास ऑलरेडी दूसरा सिम है तो। बट इतना है कि आपको दूसरा ई सिम रखना पड़ेगा और वो जो करवाने में जो तकलीफ़ है हुई है वो हमने 10 दिन तक झेली है, फिर भी थोड़ी बहुत शॉर्ट आउट तो नहीं हुई, तो समझ लो थोड़ा झमेला वाला ई सिम का। दूसरा रहा डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र का ऐसा है कि जैसे अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड आपका डेटा ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा, वैसे ही आईफोन टू आईफोन, एप्पल टू एप्पल, मतलब वही हुआ इजीली डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर जब बात आती है एंड्रॉयड टू आईफोन बहुत झमेला है, मतलब मैंने रिव्यू तो पढ़े ही थे क्योंकि ऐसा होता है इजीली डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता, पर मैंने फेस भी कर ही लिया। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, लेस एप्लीकेशन, एप्पल स्टोर और इसका प्ले स्टोर एंड्रॉयड का, ये दोनों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों में सेम ही एप्लीकेशन आपको मिलेगी, जितनी एंड्रॉयड में फैसिलिटी मिलती है जितनी एंड्रॉयड में एप्लीकेशन मिलती है उतनी नहीं मिल रही इसमें। और चौथा एक्सपेंसिव एसेसरीज, उसके बारे में तो मुझे पूछो। अगर देखो आपने आईफोन ख़रीदा और बहुत सारे मीम्स भी बन गए तो मैं क्या और चीज़ बताऊँ कि आईफोन वाले आपको फ़ोन देते हैं उसमें एक केबल देते हैं बस ख़त्म, एडेप्टर कौन देगा भाई,
तो एडेप्टर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, वो भी होता है 900 का, हमने लिया ना वो 900 वाला ही है, सिर्फ केबल दिया था। और एडेप्टर आप अपने हिसाब से देख लो, तो आपको एयरपॉड लेने पड़ेंगे जो एप्पल के आते हैं, अगर एप्पल के लेने हैं तो वो आएंगे 15,000 के, जिस अपने आप दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन खरीद सकते हो। तो यही है एप्पल की थोड़ी खासियत। और पांचवा जो मेन है बजट, देखने जाए तो अपने 10,000 से 40,000 का आपका बजट हो तो आप कोई भी अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन खरीद सकते हो, मतलब अच्छे खासा 40,000 तक आप स्पेंड करोगे ना तो बहुत अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन भी मिल जाएगा। अगर आईफोन लेना है तो ले सकते हो, बट अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 12 है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आईफोन 13 में जाओ, क्योंकि उसमें जो फीचर्स है थोड़े बहुत ही गिने चुने फीचर्स अपग्रेड किए हुए हैं, और एक मॉडल अप है तो ऑब्वियसली बैटरी लाइफ भी तो ज़्यादा होगी उसके, वो कॉमन सेंस की बात होती है। और क्या नाइट मोड अच्छा है, वीडियो क्वालिटी में अच्छा है, सिनेमेटिक मोड दिया है, बस ये सब चीज़ें ज़्यादा है। हाँ, अगर आपके पास आईफोन 12 के पहले का है, मतलब 11 है, 10 है, XR है, ये सब आपके पास है तो आप ऑब्वियसली 13 में अपग्रेड कर दीजिए, 12 है तो 14 की वेट कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दे देता हूँ, उस पर आप DM भी कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट तो ज़रूर करना, और ये चीज़ खास सब्सक्राइब करो तो आप जितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे तो उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो हम अच्छी अच्छी ट्रिप मारेंगे, हमारे दिल में कीड़ा जगेगा कि नहीं भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो अपने कुछ अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करें, और मैं भी ट्राई करूँगा जितना हो सके उतना अच्छा आपको कंटेंट दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, आओ जो मड़िए नेक्स्ट वीडियो।